सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पिछले दिनों राहुल गांधी पर हुए हमले को लेकर एनएसयूआई संगठन के द्वारा छमुहान पर आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी पुतला दहन किया गया था और आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में पहले तो भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता से घबरा गई है और राहुल गांधी पर हमले कराकर यह लोकतंत्र का हत्या करने के समान इसे उन्होंने बताया और काफी तीखी शब्दों में भाजपा की आलोचना की। राहुल जी पे जो गुजरात में जो हमला हुआ है, वो बाल के मिलने गए थे, जो वहाँ पे जो हमला हुआ है निश्चित रूप से आज वो पकड़ा भी गए हैं जो भाजपा के नेता हैं। इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से आप अवेयरनेस में देखिएगा, राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से आज मोदी जी और शाह जी की जो जोड़ी है, हर कांग्रेस के विधायक को कुछ ना कुछ करके फंसाया जा रहा है, ये तो एनएसयूआई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक रणनीति रहेगी कि अगर प्रधानमंत्री जी इस पर अगर रोक नहीं लगाते हैं तो हम लोग आगे भी इस तरह का आंदोलन करेंगे और जब तक जो दोषी है वो सब दोषी नहीं पकड़ाते हैं तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा।